कैंट पुलिस ने रेलवे क्रॉसिंग के पास 26 जुलाई को युवक के गला रेतकर हत्या का प्रयास करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है तथा घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। सीओ कैंट कार्यालय पर घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 26 जुलाई को कैंट थाना क्षेत्र के छावनी रेलवे क्रॉसिंग के पास घायल अवस्था में एक अज्ञात व्यक्ति मिला था, जिसका गला रेतकर हत्या का प्रयास किया गया था और अभियुक्तों ने उसे मृत समझकर अचेत अवस्था में छोड़कर भाग गए थे। कैन पुलिस की छानबीन के बाद पता चला कि घायल की पत्नी, जो चार बच्चों की अम्मा है, ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। एसपी सिटी ने बताया कि घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 1 के सीढ़ी के नीचे से गिरफ्तार किया, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू व अभियुक्त के घटना के समय पहने हुए कपड़ों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान शशिकांत तिवारी पुत्र वीरेंद्र तिवारी, निवासी भसुरारी थाना शिकारपुर जिला पश्चिमी चंपारण बिहार, तथा प्रीति पत्नी फरिंदर शर्मा पूर्वी करगहिया थाना बेतिया मुफस्सिर जिला पश्चिमी चंपारण बिहार के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैन थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रविंद कुमार राय, उपनिरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल रमेश राय, धीरज कुमार सिंह, कांस्टेबल मनोज कुमार, अवधेश कुमार, महिला कांस्टेबल नीतू शामिल रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, क्या जी क्यों नहीं देता पूरा कल एक व्यक्ति की को घायल करके, जिसके गले पे काफ़ी गंभीर चोट के निशान थे, वो आर्मी पब्लिक बाउंड्री के पास रेलवे क्रॉसिंग छावनी के पास मिला था, तो उसे हम लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया था और उसका ऑपरेशन भी हुआ और उसकी स्थिति ठीक है। ये उसी संबंध में प्रेस वार्ता है। हमने जो घटना को कारित करने वाले हैं वो उनकी पत्नी और उनके प्रेमी हैं। पत्नी का नाम है प्रीति पांड और जो प्रेमी है उनका नाम है शशिकांत तिवारी। इन लोगों ने कारित किया था घटना को और उनकी गले को रेत करके ये समझे कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो वहाँ से निकल गए वो लोग। इनको गिरफ्तार किया गया है रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 3:30 बजे आज 27/7/2021 को। जैसा कि मैंने बताया कि जो पत्नी थी उनकी और उनका जो प्रेमी था, उनके बीच में प्रेम संबंध था, उसमें वो बाधा उत्पन्न कर रहा था, इसलिए उस पर कार्रवाई की। उनके चार बच्चे भी और इन दोनों को साथ लेके ये लोग भागने के प्रयास में थे, तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। हाँ, दोनों गिरफ्तार।